वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर फरतनाज बोल रही हूँ। इससे पहले मैंने जितना वीडियो डाला था, उम्मीद करती हूँ कि आप उसको देखे होंगे और उसका नोट्स तैयार किए होंगे। जब कॉलेज खुलेगा तो मैं आपकी कॉपी में देखूँगी कि वो नोट्स जो हमने आपको दिया है वो तैयार किए हैं या नहीं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डाला था, जिसका आप जो है नोट्स बना लिए होंगे। इस बार हमने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का, पिछला मैंने आपको ना बताया था डेटा सिक्वेंसिंग का, डेटा फॉर्मेटिंग का, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, प्रेसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन, कनेक्शन इस्टेब्लिशिंग एंड टर्मिनेशन, डेटा सिक्योरिटी, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको ना समझा दिया था। आज क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स, आज का है आपका सम ऑफ कॉमनली यूज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। नंबर वन है स्टूडेंट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नंबर टू TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तीसरा है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नंबर फोर है SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। नंबर फाइव है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नंबर सिक्स SMTP सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नंबर सेवन है स्टूडेंट POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नंबर एट है ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब जो है देखिए, नंबर वन का HTTP का फुल फॉर्म है स्टूडेंट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP इज शॉर्ट फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल दैट गवर्न्स द ट्रांसफ़र ऑफ हाइपर टेक्स्ट बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। द प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट। अब बच्चों इसको समझिए, इसमें क्या है HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक सेट है रूल्स का जो कि गवर्न करता है ट्रांसफ़र ऑफ हाइपर टेक्स्ट में और कंप्यूटर के बीच में ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है WW के ज़रिया फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है जो कि कोडेड है यूजिंग ए स्टैंडर्ड सिस्टम कॉल्ड HTML। इस कोड का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट, HTTP का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ये रूल्स है गवर्न करता है ट्रांसफ़र ऑफ हाइपर टेक्स्ट का। WW का फुल फॉर्म हो गया इसके ज़रिया फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट है और ये यूजिंग ए स्टैंडर्ड सिस्टम कॉल्ड HTML। इस कोड का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बच्चों स्टूडेंट, इसके आगे नंबर टू है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें देखिए क्या क्या है। TCP/IP इज़ एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स और रूल्स दैट गवर्न्स द वे डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर अक्रॉस नेटवर्क्स। द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन TCP/IP। TCP/IP हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स TCP/IP। अब बच्चों इसको समझिए, इसमें है स्टूडेंट्स के ये कोड लिंक करने के लिए होता है
क्या होता है स्टूडेंट, ये कोड लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। ये लिंक टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों हो सकता है। ये स्टूडेंट लिंक टेक्स्ट भी हो सकता है और ये ग्राफिक्स भी हो सकता है। HTTP सर्वर एक्सेप्ट करता है कनेक्शन के तरफ से, ऊपर से कनेक्शन के तरफ से, और फिर भेजता है रिस्पांस क्लाइंट को भेजता है। देखिए ये पहले कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जिस तरह से रिस्पांस होता है उस तरह से वो जो है भेजता है। दूसरा है बच्चों, HTTP सर्वर को बताता है कि क्लाइंट किस रिसोर्सेस में इंटरेस्ट है। देखिए स्टूडेंट, HTTP सर्वर को बताता है कि क्लाइंट किस रिसोर्सेस में ना इंटरेस्ट है। जब यूज़र हाइपर टेक्स्ट लिंक करता है तब क्लाइंट अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम करता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है स्टूडेंट, HTTP सर्वर को बताता है कि क्लाइंट किस रिसोर्सेस में इंटरेस्टेड है और यूज़र हाइपर टेक्स्ट लिंक सेलेक्ट करता है तब क्लाइंट अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम करता है। HTTP यूज करता है टू कनेक्ट देयर सर्वर। HTTP यूज करता है कनेक्ट टू कंट्रोल देयर सर्वर। ये रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करता है सर्वर से और बोलता है रिस्पांस करने को। देखिए स्टूडेंट, ये जो है रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करता है और फिर सर्वर से बोलता है रिस्पांस को। अब ना आगे देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द TCP कंपोनेंट्स डज द फॉलोइंग, ब्रेक्स डेटा इनटू पैकेट्स दैट द नेटवर्क कैन हैंडल इफिशियंसी। नंबर 2 पॉइंट, वेरीफाइज दैट ऑल द पैकेट्स arrives एट द डिस्टिनेशन। इसके बाद है स्टूडेंट्स, रिजेंबल द डेटा इंटरनेट प्रोटोकॉल द IP डज द फॉलोइंग। नंबर 1, envelops एंड addresses द डेटा। नंबर 2 है, envelops द नेटवर्क टू रीड द envelops एंड forwarded द डेटा टू इट्स डिस्टिनेशन। नेक्स्ट है, define how much data can fit in single envelopes a pocket। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है नंबर 1 में, वो ना envelopes और एड्रेसेस करता है डेटा को। क्या करता है एड्रेसेस करता है डेटा को। नंबर 2 है, इन्वेलप्स करता है नेटवर्क को इन्वेलप्स को रीड करने के लिए, इनेबल्स करता है सॉरी नंबर 2 है इनेबल्स करता है नेटवर्क को इन्वेलप्स को रीड करने के लिए, और फॉरवर्डेड करता है उसके डेटा को ना उसके डिस्टिनेशन में। क्या करता है स्टूडेंट्स, इन्वेलप्स करता है नेटवर्क को इन्वेलप्स को रीड करने के लिए और फॉरवर्डेड करता है उसके डेटा को उसके डिस्टिनेशन में। नंबर 3 में है, डिफाइन करता है कितना डेटा एक इन्वेलप्स में फिट हो सकता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आज का आपको ना टॉपिक समझ में ना आया होगा, और आप इसको अच्छे से नोट्स को तैयार कीजिएगा और घर में रहिएगा, सेव रहिएगा। ओके, बाय।